क्या हो गया भटकती आत्मा फिर वीडियो क्या बना रहा है। सो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, जैसा बात हम लोगों ने किया था कि मीटर इसका सही करवाना है। भाई सूरज भाई आया आज मेरे साथ। एक्चुअली ये सर्विसिंग मैंने यार 2 सप्ताह पहले ही करवाया था, तो मीटर का पता नहीं अभी यार अगर सही करवाऊंगा तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा या फिर उसी पे मेकअप हो जाएगा, पता नहीं। अब चलो अब तो दुकान जाके ही देखना पड़ेगा। आवाज़ दो। अच्छा कब आओगे फिर मिलेंगे। देखो यार पता नहीं यार ये सड़क कब बनेगी। सो चलते हैं। बात और बताने वाला हूँ यार कि यार मेरी स्कूटी का ना यार मुझे माइलेज भी टेस्ट करना है मेरी खुद की स्कूटी का। अबे यार ये फिर आ गए यार, पता नहीं अब इस बार यार क्या बोलेंगे यार ये लोग। अबे यार साइड क्या हो गया, भटकती आत्मा फिर से रास्ता भूल गया। अच्छा अबे भाई वीडियो क्या बना रहा है यार। इन लोगों ने यार बहुत रोस्ट किया यार मुझे यार, अब मैं इनसे रोस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहता यार। ये मिलते क्यों है यार सड़क पे, गए हैं ढाई। अभी धूप थोड़ा बहुत है, सड़क भी है थोड़ा। अरे यार वो देखो यार मस्त लग रहा है यार कुत्ता, बिल्कुल सूरज के जैसा लग रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं क्या सूरज। तो कमेंट में यार एक बात बताओ यार, आप वीडियो देख कहाँ से रहे हो यार। मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस पे इतने सारे व्यूज आते हैं यार, मुझे पता नहीं चल पाता कि आप लोग कहाँ से हो। मैं यार ये जानना चाहता हूँ कि यार मेरे वीडियोस कहाँ कहाँ देखे जाते हैं यार। प्लीज़ यार अपने लोकेशन एक बार कमेंट में बताओ, आप कहाँ से हो प्लीज़ बताओ यार। आज मुझे यार बोलने का यार बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा देखो मैं हमेशा कहता हूँ राइट से ओवरटेक करो, लेफ्ट से मत करो। देखो यार सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि आपको लेफ्ट से ओवरटेक करना ही होगा, ठीक है। ऐसे अगर जाम वगैरह में फंसे हो तो लेफ्ट में आप कर सकते हो, मतलब आपको मत सिखा। लेकिन ऐसे अगर ड्राइविंग मोड पे मतलब ड्राइविंग कर रहे हो तो फिर राइट से ही करो, लेफ्ट से तो बिल्कुल मत करो। पिछले बार के जैसा आज फिर से हम लोग उम्मीद करते हैं कि सामने पुलिस वाले अंकल ना हो, अब तो सामने जाके ही पता चलेगा। ओहो बाप रे कितना धूप है भाई, धूप बहुत है यार आज। बस सामने ही आने वाला है यार हमारा शॉप, बस मुझे यार ये मीटर सही करवाना है, बाकी बस फ्यूल का मीटर तो सही रखा है। मैं पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि भाई मीटर सही करा रहा है, भाई मीटर सही करा भाई। मैं कसम से कह रहा हूँ यार मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता था यार इस चीज़ के लिए, मुझे हर बार ही दूसरा काम आ जाता था ये वो। यही तो है, तो चलिए चलते हैं और इसका कराते हैं मीटर सही। भैया मीटर सही कराना, उस दिन गए थे ना सर्विसिंग करवा के। गाड़ी पे चलते हैं तब, ठीक है भैया चलते हैं। तो भाई देख लो यार, अभी तो हम लोगों ने करा लिया इसका सर्विसिंग वगैरह जो इसका था, तो इसका चेक करते हैं थोड़ा सा जाके कि भाई स्पीडोमीटर काम कर रहा है या नहीं। सो यहाँ देख सकते हो यार आप लोग स्पीडोमीटर यार वर्क कर रहा है, ये उठ रहा है धीरे धीरे, कांटा उड़ रहा है इसका ऊपर। तो चलिए रॉन्ग लेन पे तो मैं चलाने वाला हूँ नहीं, इसलिए हम लोग जाएंगे लेफ्ट की साइड। चलो चलते हैं। तो एक्चुअली हुआ ये था यार कि वो इसका केबल वगैरह इसे क्या बोलते हैं वो जो है वो ख़राब था, ठीक है। तो वो न्यू लगा और बाकी सब फिटिंग चार्ज वगैरह ये सब लगा के यार मुझसे लिए इन्होंने 150 रुपये, 150 रुपये हो गया खर्च। आते भाई आज कट यार मोटर साइड में यार, लगता है पूरे जाम ही जाम है भाई, उधर ही ले ले यार।
ऊपर देखा यार उधर स्पेस काटी है यार, ये ट्रैक्टर वाला यार सीधे ही आ रहा है यार इधर जाता हूँ। आप लोग यार बाइक चलाते हो यार, स्कूटी चलाते हो, सब चीज़ का करो क्या मैं। अरे यार ये बकरी यार फिर से आ गई, बताओ यार। देख लो यार इधर पाम ट्री की यार पूरा खेती होती है, पाम ट्री की वगैरह जो हम लोग घर पे यूजली लगाते हैं। मेरे घर पे भी ऑलरेडी है पाम ट्री। जब मैं यार थोड़ा सा भी तेज करता हूँ यार, 40 प्लस जाता हूँ यार, तो एक विंड नॉइज़ आती है, ठीक है, शायद अभी भी आ रही है, वो शायद कैप्चर हो रही है यार वीडियो पे, शायद इसको माइक कैप्चर कर रहा है, वो भद्दा लग रहा है यार एकदम। मुझे हेलमेट यार लगता है ऐसा चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए भी लगेंगे भाई हेलमेट के लिए 2000 हाँ 2000 के आसपास, 2-3 हज़ार के आसपास यार हेलमेट तो आ ही जाएगी। एक्चुअली यार होता ये था कि यार ये जो मीटर है ना, सॉरी ये जो काटा है, ये पहले ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता था, ठीक है, बट अभी ये वाइब्रेट नहीं कर रहा, अभी ये स्टिल ऐसा ही मतलब एक ही जगह है। तो पहले होता क्या था, ऐसे 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 मतलब वाइब्रेट करते रहता था, बट अभी ऐसा सीन नहीं है, ये सही था। 150 रुपया फंसा है भाई। चलो कोई बात नहीं, कुछ पैसे खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं यार, मतलब अपनी स्कूटी को यार एकदम सही रखो, मतलब जो जैसा भी व्हीकल है आपके पास उसे तो एनी टाइम सही रखो, अगर गंदी हो तो यार उसे धोया करो यार, मतलब मेंटेन करके रखो। सो यार स्कूटी में फ़िलहाल फ्यूल भी नहीं, अरे यार मैं भूल गया यार, फ्यूल लेना था यार मुझे स्कूटी पे, पेट्रोल लेना था यार। अच्छा मैं सोच रहा हूँ यार अभी जाके मैं, मेरे ख्याल से ये अभी और 10 किलोमीटर चलेगी, इसके बाद इसकी फ्यूल ख़त्म हो जाएगी। सो मैं आज करूँगा ये कि घर पे जाके ग्लैमर से मैं जाऊँगा 1 लीटर पेट्रोल लेके आऊँगा बोतल में, ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका स्कूटी का माइलेज टेस्ट करेंगे, तभी सही रहेगा। सो बीच में यार मेरी थोड़ी तबीयत भी थोड़ी बिगड़ गई थी, बट अभी सही है। स्कूटी में यार मुझे एक काम और करवाने यार, वो इस साइलेंसर जो है ना, साइलेंसर का जो ऊपर कवर रहता है ना, वो एक्चुअली यार वाइब्रेट करता है, तो जब भी मैं थोड़ा स्पीड चलाता हूँ तो फिर वो वाइब्रेट करके नॉइज़ बेकार नॉइज़ क्रिएट करती है, उसको भी मुझे सही करवाना है। कि चलते हैं हम लोग घर के साइड। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो देख रहे हो तो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ये इंस्टाग्राम पर लिंक आ रहा होगा। तब तक के लिए बाय बाय।